दिवाली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर वालों का दम घुटने लगा है। हवा की सुस्त रफ्तार की वजह से प्रदूषण जस का तस बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अभी प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। आज दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई। सवाल यह है कि अगर दिल्ली में पराली जलाने वाले प्रदूषण में कमी आई है तो फिर दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली क्यों है? लेकिन अब केजरीवाल सबके सामने आए हैं और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है पराली और दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। वहीं दिल्ली और पंजाब पर जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो केजरीवाल ने कहा कि ये वक्त आरोप प्रत्यारोप या फिर राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त मिलकर लड़ने का है। पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है, ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता, जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, पंजाब में हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में अब प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया ताकि इस दम घोटू जहरीली हवा से मासूम बच्चों को बचाया जा सके। वहीं नोएडा में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की सुस्त रफ्तार की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रुका हुआ है। एक्सपर्ट बुजुर्गों को सलाह दे रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकले, तभी लोग घर से बाहर निकले, क्योंकि अगर बुजुर्ग घरों से बाहर निकले तो उन्हें सांस लेने में परेशानी हो सकती है। आपकी बात सही है, सर्दियों में दिवाली के बाद हर साल हम ये देखते हैं कि AQI लेवल जो है वो सीवियर और वेरी सीवियर रेंज में पहुंच जाता है, 500 तक आ जाता है, कई दफ़ा तो 900 से ऊपर भी आया है, और इसके कई कारण हैं। तो हमें पहले तो जो लोग वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगह ना जाएं जहां पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। मास्क लगा के जाएं, जाना है तो दिन में जाएं जब धूप निकल गई है, क्योंकि सुबह शाम अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में जब ठंड होती है तो बिकॉज ऑफ कोल्ड एयर पोल्यूशन एट ग्राउंड लेवल इज़ हाई, तो वो थोड़ा सा वो अवॉइड करें। और हमें एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है जिससे हम ये कर पाएँ कि हर साल ये प्रॉब्लम ना हो, और किसी तरह से हम एक ऐसा सॉल्यूशन निकालें जो प्रैक्टिकल हो और जो हम सब लागू कर पाएँ। इतना ही नहीं, गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP 4 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। इसके तहत राज्य में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, दिल्ली में डीजल से चलने वाले मालवाहक वाहनों और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। क्या होता है GRAP? इससे वायु प्रदूषण पर कैसे लगती है रोक? GRAP को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहा जाता है। दरअसल ये एक्शन प्लान हवा में प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार लगाई जाती है। जैसे इस समय दिल्ली एनसीआर के हालात हैं, उसे देखते हुए वायु गुणवत्ता में सुधार और गिरावट को रोकने के लिए अमल में लाया जाएगा। GRAP का स्टेज 1 तब एक्टिवेट होता है जब AQI खराब श्रेणी 201 से 300 तक पहुंच जाता है। स्टेज 2 बहुत खराब, जब AQI 301 से 400 के पास है। स्टेज 3 गंभीर AQI 401 से 450 और स्टेज 4 अति गंभीर AQI 450 से ऊपर।
ग्रेप चौथे चरण में दिल्ली एनसीआर में लागू होंगी ये पाबंदियां। दिल्ली में डीजल से चलने वाले मध्यम और बड़े ट्रक नहीं चल सकेंगे। जरूरी सामानों की सप्लाई से जुड़े ट्रकों को छूट होगा। सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक चल सकेंगे। एनसीआर में पीएनजी के अलावा अन्य ईंधन का इस्तेमाल करने वाली सभी इंडस्ट्री बंद रहेगी। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के पब्लिक प्रोजेक्ट्स भी बंद रहेंगे। हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन से जुड़े काम नहीं हो पाएंगे। राज्य सरकारें स्कूल, कॉलेज, संस्थान, गाड़ियों के ऑडिवन नियम आदि से जुड़े फैसले ले सकेंगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो बस ब्लेम गेम खेलती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जहरीली सांसों से आम जनता को कब निजात मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।